सभी सभी को नमस्कार। एके होम डिजाइन चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं अमित कुमार यादव। आज हम 23x23 का प्लाट का डिज़ाइन का आपको डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये मेनली नेपाल, हमारे जो क्लाइंट हैं वो नेपाल से बेस्ड हैं, उन्हीं के लिए हमने प्लान डिज़ाइन किया है। तो अगर आपको भी वीडियो देखना है दोस्तों तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप हमको वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल एके होम डिजाइन को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इस प्लान के बारे में दोस्तों। इस प्लान का जैसा कि लोकेशन है, इसका हम 3D प्लान, 2D प्लान सब कुछ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये प्लान 3 साइड से मकान से घिरा हुआ है और इसका फ्रंट में कुछ रोड है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये सामने हमने प्यारी सी डिज़ाइन दी है। ये विंडो लगाई है और यहाँ प्यारा सा डिज़ाइन दिया है। ये ग्राउंड फ्लोर पर हमने एक रैंप बनाया है, यहाँ पे आप अपनी बाइक वगैरह एंटर कर सकते हैं अंदर मकान में। और साइड में हमने बड़ी सी विंडो दी है ऊपर तक। और ये ऊपर वाले मकान की जो रेलिंग है आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेलिंग में हमने डिज़ाइन दिया है, अंदर ग्लास का डिज़ाइन दिया है और ये ऊपर इधर साइड में वुडन का डिज़ाइन दिया है। तो ये डिस्कस कर लेते हैं इसका ग्राउंड फ्लोर दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप मेन मकान में इंटर हो जाएंगे इस ये वाले एरिया से। उसके बाद ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये आपका डाइनिंग एरिया हो जाएगा। यहाँ बगल में हमने दे दी है किचन, जिसके 6 फीट हाइट तक हमने टाइल्स लगा दी है। ग्राउंड फ्लोर पे भी टाइल्स लगाई है। ये टाइल्स लगाना इसमें ज़रूरी होता है किचन में। इसी के जस्ट बगल में हमने दे दी है जीना, यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। इस जीने की जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, वुडन टाइल्स इसमें भी लगाई है, आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। ये वाला एरिया जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। और इसी के जस्ट सामने ही हमने एक टॉयलेट कंबाइंड बाथरूम दिया है लास्ट में, जिसकी 6 फीट हाइट तक हमने टाइल्स दी है। इसका भी हम डायमेंशन भी आपको डिस्कस करेंगे 2D प्लान में दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इधर साइड में हमने एक दे दिया है बेडरूम, जिसकी 3D वॉलपेपर हमने वॉल पे 3D वॉलपेपर लगाया है। आइए डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम एच टी सी रखा है, इधर किचन इधर ये। हमारे जो क्लाइंट है उनको रेंट पर्पज़ से भी मकान चाहिए था, कि उनको रेंट पर्पज़ से भी ऊपर चाहिए। और यहाँ पे हमने दे दिया छोटा सा बालकनी, 2.5 फीट का पोर्च निकाला है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप बालकनी में आ सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस हो तो आप भी निकलवा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर बालकनी मत निकलवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आइए डिस्कस करते हैं लास्ट फ्लोर। तो ये हमारा लास्ट फ्लोर दोस्तों, यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर टेरिस पे आ जाएंगे। तो ये हमारा 3D प्लान दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं इसका 2D प्लान। 2D प्लान में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा मेन गेट हो गया, यहाँ से आप इंटर हो जाएंगे। इसके बगल में ये दे दिए डाइनिंग एंड हॉल एरिया। यहाँ पे विंडो W1 का जो साइज है, विंडो को हमने साइज़ दिया है। ये इसके बगल में किचन दिया है, जिसका साइज़ है 7 फीट × 10 फीट 2 इंच। और ये इधर जो टॉयलेट कंबाइंड बाथरूम दिया है, इसका 7 फीट 6 इंच × 5 फीट दिया है। और ये बेडरूम जो है 11 फीट × 13 फीट 8 इंच का हमने बेडरूम दिया है। फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम एज इट इज रखा है दोस्तों, जैसा कि वो है आप देख सकते हैं। ये सेम प्रोविजन रखा है, यहाँ पे हमने प्रोजेक्टेड पोर्च जो लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे पोर्च निकालना है वो 2.5 फीट का। तो वो आपकी चॉइस है, आप जितना चाहे उतना निकलवा सकते हैं, लेकिन मेनली मैक्सिमम 3 फीट ही पोर्च निकालना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। और साइज़ सबका सेम है जैसा कि ये है। यहाँ पर तो कुछ हमने डिटेल दी है, जिसकी आउटर वाल है वो 9 इंच है, इनर वाल है वो 4 इंच है। D1 मतलब D2 टाइप 1 है, इसका साइज 3 फीट × 6 फीट। D2 इसका साइज़ है 2 फीट 6 इंच × 6 फीट। Window 1 मतलब इसका साइज़ है 4 फीट 4 इंच। Window 2 इसका साइज़ है 2 फीट 2 इंच, 2 फीट बाय 2 फीट। स्टेयर जो है 3 फीट विड्थ है, इस स्टेयर की जो विड्थ है 3 फीट है। राइजर जो है वो 6 इंच है। थ्रेड जिस पे हम पैर रखते हैं ये 10 इंच है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 10 इंच है यहाँ पे दोस्तों। और नंबर ऑफ स्टेप 23 है। तो ये हमारा कुछ प्लान दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल AK होम डिजाइन को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।